हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। हम लोग अलग अलग टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था कि कौन से ट्रेडिशनल चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो काफी समय से यूज होते आ रहे हैं। अभी इस वीडियो में हम लोग कुछ कंटेम्प्रेरी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को यूज करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे मॉडर्न चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो कंटेम्प्रेरी मतलब क्या? मॉडर्न, जो अभी अभी यूज किए जा रहे हैं ताकि कस्टमर तक वो प्रोडक्ट जो है एफिशिएंटली पहुंचाया जा सके या डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो इसके लिए कुछ कंटेम्प्रेरी चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज किए जाते हैं। तो वो कौन से चैनल्स है और उनको कैसे यूज किया जाता है, उसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कंटेम्प्रेरी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम, जिसको HMS भी बोल सकते हैं। ना बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि दो फर्म्स होते हैं या दो से ज्यादा भी फर्म्स हो सकते हैं, जो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं ताकि उनके कॉमन गोल जो है अचीव हो जाए। कॉमन गोल मतलब क्या? वो दोनों को भी बिजनेस करना है, वो दोनों को भी अपना सेलिंग बढ़ाना है, तो इसके लिए वो दोनों क्या होंगे? एक होंगे। या वहां पे दो से ज्यादा भी फर्म्स हो सकते हैं जो एक हो सकते हैं। सो बेसिकली हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम में क्या हो रहा है कि दो या दो से ज्यादा फर्म जो है वो ज्वाइन हो रहे हैं ताकि वो दोनों का भी जो बिजनेस करने का कॉमन गोल है वो अचीव हो जाए। सो यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे एक बैंक है, तो बैंक ने क्या किया, एक पर्टिकुलर सुपरमार्केट के अंदर ATM जो है वो लोकेट किया, मतलब वहां पे अपना ATM सेटअप किया। अभी इसमें बैंक को भी फायदा हो सकता है, सुपरमार्केट को भी फायदा हो सकता है। बिकॉज डीमोनेटाइजेशन के पहले अगर आप लोग देखोगे तो लोग इतने ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट वगैरह या ये जो डिजिटल वॉलेट्स वगैरह उसको यूज नहीं करते थे। तो उस केस में कैसा होता था कि लोग जब शॉपिंग करने के लिए सुपरमार्केट में जाएंगे और वहां पे अगर बैंक का ATM रहेगा तो ATM में से लोग क्या करेंगे, पैसे विड्रॉ करेंगे। तो उससे क्या हो रहा है, बैंक को भी बेनिफिट हो रहा है, बिकॉज आपको पता है कि ATM में से पैसे विड्रॉ करने के कुछ चार्जेस वगैरह हो सकते हैं, या फिर लोगों के माइंड में ऐसा हो सकता है कि ये पर्टिकुलर बैंक का ATM सब जगह पे होता है तो ये बैंक में हमको अकाउंट खोलना चाहिए। तो इस हिसाब से यहाँ पे बैंक का भी बिजनेस हो रहा है, प्लस लोग वहां पे पैसा निकल पा रहे हैं, इसके वजह से लोग वहां पे अच्छे से शॉपिंग भी कर पाएंगे। तो इस हिसाब से बैंक को भी फायदा हो रहा है, सुपरमार्केट को भी फायदा हो रहा है। इसके लिए बैंक और सुपरमार्केट ने क्या किया, एक दूसरे के साथ ज्वाइन किया ताकि दोनों का भी जो बिजनेस का कॉमन गोल है वो अचीव हो पाए। दूसरा एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं कि 2007 में एप्पल और स्टारबक्स, इन्होंने अपना पार्टनरशिप अनाउंस किया। ना एप्पल आपको पता है ये आईफोन का कंपनी है, स्टारबक्स आपको पता है ये कॉफी शॉप है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि इन दोनों ने टाई अप करके जो स्टारबक्स के कस्टमर्स है वो स्टारबक्स में जाके कॉफी पी सकते हैं और वहां पे बैठ के वो iTunes का जो म्यूजिक स्टोर है जो आईफोन पे अवेलेबल होता है वहां से वो म्यूजिक को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टारबक्स के कॉफी का या दूसरे प्रोडक्ट्स का भी सेलिंग हो रहा है, बिकॉज वहां पे कस्टमर जाके कॉफी वगैरह पीना पसंद करते हैं या दूसरे जो भी स्नैक होते हैं या डेजर्ट होते हैं वो सब खाना पसंद करते हैं। प्लस लोग जब ऐसे जगह पे बैठते हैं तो उनको म्यूजिक सुनने का मन होता है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, एप्पल के जो iTunes का म्यूजिक स्टोर है वहां से वो लोग म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे वो म्यूजिक को सुन सकते हैं। सो एप्पल को भी फायदा हो रहा है, स्टारबक्स को भी फायदा हो रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो या दो से ज्यादा बिजनेस जो एक हो रहे ताकि उनके जो कॉमन गोल्स है वो अचीव हो पाए। इसके अलावा भी आप लोग काफी सारे एग्जांपल्स लिख सकते हो जहाँ पे ये बिजनेसमैन जो है वो एक दूसरे के साथ टाई अप करते हैं ताकि दोनों का जो बिजनेस है वो ग्रो करे। देन सेकेंड कंटेम्प्रेरी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। ना वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो मेन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, ये लोग एक होके काम करते हैं ताकि वो कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई कर पाए और कस्टमर को बेटर सर्विस दे पाए। सो जहां पे प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एक होते हैं और वो कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसको वर्टिकल मार्केटिंग चैनल बोलते हैं। तो आपको पता है ये हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, जहां पे मैन्युफैक्चरर से गुड्स होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर और फिर रिटेलर से कंज्यूमर के पास जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, ये मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर एक होके काम कर रहे हैं ताकि वो ये कस्टमर्स को टाइम पे गुड सप्लाई कर पाए और कस्टमर के नीड को फुलफिल कर पाए। ट्रेडिशनली कैसा होता था कि प्रोड्यूसर, होलसेलर और रिटेलर जो होते थे वो सेपरेटली काम करते थे और वो लोग सिर्फ खुद के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फोकस करते थे। मतलब मैन्युफैक्चरर को होलसेलर के प्रॉफिट से या रिटेलर के प्रॉफिट से कुछ भी लेना देना नहीं था, होलसेलर या रिटेलर के प्रॉफिट से कुछ लेना देना नहीं था और रिटेलर को होलसेलर और मैन्युफैक्चरर से कुछ लेना देना नहीं था। सो सब लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे सेपरेटली काम कर रहे थे, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे,
कोई भी एक होके काम नहीं कर रहे थे, तो उसके वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर को लेके, और ये कॉन्फ्लिक्ट के वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो थी वो अफेक्ट हो रही थी। तो इसके वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे फर्म्स ने क्या किया, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम को फॉलो किया, जहां पे प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर जो है उन्होंने एक दूसरे के साथ हाथ ज्वाइंट किया, वो लोग ने यूनिसॉन में काम करना, वो लोग यूनिसॉन में काम करने लग गए, मतलब एक होके काम करने लग गए, ताकि वो लोग अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कर पाए, और उसके वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ने लग गई। सो वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, जहां पे प्रोड्यूसर, होलसेलर और रिटेलर जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ हाथ ज्वाइंट करते हैं, एक होके काम करते हैं, ताकि उनके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव कर पाए। देन थर्ड कंटेम्प्रेरी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज थर्ड पार्टी डिलीवरी चैनल, या जिसको हम लोग थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक या 3PL बोल सकते हैं। 3 मतलब थर्ड और PL मतलब पार्टी लॉजिस्टिक। सो बेसिकली यहाँ पे लॉजिस्टिक वर्ड का मतलब क्या होता है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेस होते हैं उनका जो फ्लो होता है या उनका जो सप्लाई होता है उसको मैनेज करना या कंट्रोल करना, जहां पे गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग से लेके, गुड्स का सप्लाई से लेके, गुड्स कस्टमर तक पहुंचाने से लेके, हर एक चीज को यहाँ पे हैंडल किया जाता है, ताकि कस्टमर को टाइम पे वो गुड्स अवेलेबल हो। सो गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो होता है, मतलब मैन्युफैक्चरर से गुड्स जो होते हैं वो कंज्यूमर तक पहुंचने तक जो भी फ्लो होता है उसको मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना, जिसके अंदर कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउस, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, तो इसको हम लोग लॉजिस्टिक बोलते हैं। सो कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और वेयरहाउसिंग के थ्रू यहाँ पे क्या किया जाता है, गुड्स जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचाए जाते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और वेयरहाउस के साथ साथ गुड्स की डिलीवरी और आफ्टर सेल सर्विस जो होता है वो भी लॉजिस्टिक के अंदर इंक्लूड होता है। सो बेसिकली देखो, लॉजिस्टिक के अंदर कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउस, डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कंज्यूमर और आफ्टर सेल सर्विस, ये सारी चीजें जो होती है वो इन्वॉल्व होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिस्टिक। तो और ये सब चीजों को यूज करके यहाँ पे मैन्युफैक्चरर जो होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को मैनेज और कंट्रोल करते हैं। नाउ 3PL का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक होता है, तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है, अपने लॉजिस्टिक का जो पार्ट है वो किसी दूसरे पार्टी को आउटसोर्स कर देती है जो उस चीज में एक्सपर्ट होती है। मतलब कंपनी यहाँ पे सिर्फ क्या करेगी, या मैन्युफैक्चरर यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे, गुड्स को मैन्युफैक्चर करेंगे, गुड्स के प्रोडक्शन के ऊपर वो फोकस करेंगे, प्लस गुड्स का प्रमोशन करेंगे, बाकी गुड्स का जो सप्लाई पार्ट है या गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने का जो काम है वो सब कुछ यहाँ पे वो थर्ड पार्टी जो है या जो भी एजेंसी है उसको वो दिया जाता है। तो यहाँ पे मार्केटर जो सिर्फ गुड्स बना रहा है, बाकी गुड्स का ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, डिलीवरी, आफ्टर सेल सर्विस, ये सब जो है ये थर्ड पार्टी जो है वो हैंडल करेगी, तो उसको यहाँ पे थर्ड पार्टी डिलीवरी चैनल या थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक मतलब 3PL बोला जाता है। सो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या हो रहा है कि लॉजिस्टिक जो है वो किसी और को आउटसोर्स किया जा रहा है, मार्केटर खुद लॉजिस्टिक यहाँ पे देखते नहीं है। तो ये भी एक नया चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आजकल हम लोग देखते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट से जब भी हम लोग गुड्स परचेस करते हैं तो उनका जो सप्लाई करने वाले होते हैं वो कुरियर कंपनीज होते हैं, वो अमेजोन के तरफ से या फ्लिपकार्ट के तरफ से नहीं होते हैं। तो आपने अगर उनसे कभी बात की होगी तो वो आपको बोलते हैं कि आप हमको पेमेंट कर दो, आपका जो भी इश्यू होगा आप कंपनी को इन्फॉर्म करो, हम लोग सिर्फ यहाँ पे कुरियर वाले हैं, हम लोग सिर्फ गुड्स की डिलीवरी करते हैं। सो अमेजोन या फ्लिपकार्ट या दूसरी कंपनीज यहाँ पे क्या कर रही है, गुड्स को डिलीवरी करने का काम जो किसी और को दे रहे हैं, या गुड्स का लॉजिस्टिक का जो पार्ट है वो कोई और कर रहा है, और अमेजोन और फ्लिपकार्ट सिंपली क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर से गुड्स को लेते हैं और फिर उसकी इन्फॉर्मेशन वो अपने वेबसाइट के थ्रू कस्टमर तक पहुंचाते हैं, और कस्टमर जो इंटरेस्टेड होते हैं वो गुड्स के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सो अमेजोन का सिर्फ काम इतना है कि मार्केटर के पास से गुड्स को लेना, उसका प्रमोशन करना, और फिर बाद में बाकी का जो डिलीवरी का काम है या ट्रांसपोर्टेशन का काम है, आफ्टर सेल सर्विस होता है, वो थर्ड पार्टी देखती है। नेक्स्ट वन इज मल्टी चैनल मार्केटिंग। नाउ मल्टी चैनल मार्केटिंग नाम से यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे दो या दो से ज्यादा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज किया जाता है, और वो अलग अलग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके यहाँ पे टारगेट मार्केट में प्रोडक्ट को डिलीवर किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ मार्केटर जो होते हैं वो होलसेलर, रिटेलर, इनके थ्रू अपने गुड्स को मार्केट में पहुंचाते हैं, या कुछ मार्केटर्स होते हैं जो इंटरनेट का यूज करके डायरेक्टली अपने गुड्स को कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं। सो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं, जिसमें वो लोग ऑनलाइन भी गुड्स को बेचते हैं, ऑफलाइन भी बेचते हैं, जहां पे वो लोग गुड्स को एक्सक्लूसिव शोरूम्स के थ्रू भी बेचते हैं, या दूसरे जो जनरल शॉप्स होते हैं उसके थ्रू भी गुड्स को यहाँ पे बेचा जा सकता है।
जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को बिग बाजार का एग्जांपल दूंगा कि बिग बाजार जो है उन्होंने क्या किया, लॉकडाउन के वजह से उन्होंने ऑनलाइन सेलिंग करना भी शुरू किया। तो अभी बिग बाजार से जिनको ऑनलाइन शॉपिंग करना है वो ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं, बिकॉज वहां पे उनको फ्री होम डिलीवरी का ऑप्शन मिलता है, प्लस अलग अलग ऑफर्स भी वहां पे होते हैं। और अगर सपोज कोई कस्टमर से जिनको शॉप में जाके शॉपिंग करना है तो वो शॉप में जाके भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो ऑनलाइन सेलिंग भी कर रहे हैं, ऑफलाइन सेलिंग भी कर रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी चैनल मार्केटिंग, जहाँ पे मार्केटर्स क्या कर रहे हैं, अलग अलग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके कस्टमर तो प्रोडक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। बिकॉज क्या होता है कि कस्टमर की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। कुछ लोग बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, उनको बाहर जाके शॉपिंग करने के लिए टाइम नहीं होता है, या उनको बाहर जाके शॉपिंग करना पसंद नहीं होता है। इनफैक्ट उनको ऐसे लगता है कि ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो हम लोग को बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, बहुत सारा डिस्काउंट वगैरह मिलेगा, तो वो लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि जिनको ऑनलाइन शॉपिंग पसंद नहीं होता है तो वो लोग फिर ऑफलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो कस्टमर के ये रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर यहाँ पे मल्टी चैनल मार्केटिंग यूज किया जाता है। एंड द लास्ट कंटेम्प्रेरी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज मल्टी लेवल मार्केटिंग। नाउ मल्टी लेवल मार्केटिंग जो होता है, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो अपने गुड्स को नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू सेल करते हैं। नाउ नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, तो यहाँ पे कंपनी एक स्ट्रैटेजी बनाती है जहाँ पे गुड जो होते हैं वो कंपनी अपने कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते हैं, और फिर उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो और डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाते हैं, और फिर इस तरीके से एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर अलग अलग नए नए डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं बनाए जाते हैं। तो एक तरीके का यहाँ पे क्या हो रहा है, नेटवर्क बन रहा है। जैसे आप लोग यहाँ पे ये पिक्चर में देख सकते हो कि ये मेन डिस्ट्रीब्यूटर है कंपनी का, इन्होंने और दो डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिक्रूट किया, फिर इन्होंने और दो डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिक्रूट किया। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये मेन डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्होंने कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंट किया, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंट किया, तो ऐसा पूरा यहाँ पे क्या हो गया, नेटवर्क हो गया। तो गुड्स क्या हो रहे हैं, वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर के पास से कंज्यूमर्स के पास पहुंच रहे हैं। और ये जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उन्होंने जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स रिक्रूट किए रहते हैं उनको डाउनलाइन बोला जाता है। ना यहाँ पे क्या होता है कि ये जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर है वो लोग जो भी सेल करेंगे उसका उनको कमीशन मिलेगा, प्लस इनके अंडर जो डाउनलाइन है या इन्होंने जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंट किया है वो लोग जो सेल करेंगे उसका भी पार्ट इनको मिलेगा। फिर बाद में इन्होंने जो सेल किया है उसका भी सेल्स का कमीशन ये मेन डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर है उन्होंने खुद ने जो सेल किया है उसका भी कमीशन उनको मिलता है, प्लस उनके अंडर जो डाउनलाइन होती है या डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उन्होंने जो सेल किया है उसका जो कमीशन का पार्ट है वो भी इनको यहाँ पे दिया जा रहा है। तो ये बेसिकली आप लोग देखते हो कि एमवे, एवॉन या टपरवेयर, ये सारी कंपनीज है जो क्या करती है, मल्टी लेवल मार्केटिंग चैनल को यूज करती है। आप लोग देखते हो कि बहुत सारे हाउसवाइफ्स होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, टपरवेयर के प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे बॉटल्स वगैरह हो सकते हैं, टिफिन बॉक्स हो सकते हैं, या जो भी डिब्बे वगैरह घर में यूज किए जाते हैं वो डिब्बे हो सकते हैं, तो वो डिब्बे वो हाउसवाइफ्स क्या करती है, दूसरों को बेचते हैं, और वो हाउसवाइफ के अंदर और उनके नेटवर्क्स होते हैं। सो इस तरीके से ये टपरवेयर, एमवे कंपनी जो है वो क्या कर रही है, मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रही है, जहां पे वो अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूटर्स को देती है, डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाते हैं, और उसके थ्रू गुड्स जो होते हैं कंज्यूमर्स को बेचे जा सकते हैं। तो ये अलग अलग कंटेम्प्रेरी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो हम लोग ने ये पर्टिकुलर वीडियो में देखा। इस तरीके से कंपनी ट्रेडिशनल चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी यूज कर सकती है और कंटेम्प्रेरी चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी यूज कर सकती है और अपने गुड्स को कस्टमर तक पहुंचा सकती है। ये मेरी URL है जहां से मैंने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इमेजेस लिए थे। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल, एंड ऑल्सो रिकमेंड माई चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।